मेरे फेस में ऑलरेडी मॉइस्चराइजर अप्लाई हो चुका है, तो मैं अब अप्लाई करूंगी कंसीलर। कंसीलर स्विस ब्यूटी का है, ये ऑयल बेस है इसलिए मेरा ड्राई स्किन है और ये स्किन में अच्छे से ब्लेंड होगा, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगा। फिंगर से इसलिए अप्लाई कर रही हूं ताकि ये अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। मैं आज एनिवर्सरी के लिए रेडी हो रही हूँ। आप लोग भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मैं और भी बहुत सारे वीडियोस मेकअप का बनाऊंगी। देखिए मेरा कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ। सेकेंड वाला भी कर लूंगी। देखिए मेरा आईब्रो बिल्कुल फिल हो चुका है। अब मैं लूज पाउडर लगा रही हूँ। मैं आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ लियोन ब्यूटी का, और कलर है मेरा ये इधर भी अप्लाई कर लेंगे। मेरा आई साइडो लग चुका है। ये मेरा हेलीरूडा का पैलेट है आई साइडो वाला, और मैं लगाई हूँ मरून कलर, तो मैं सिमर कलर रेड लूंगी यहाँ। मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर लक्मे का। मेरा लाइनर लग चुका है। मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा लक्मे आइकोनिका। लोअर लैश में भी लगा लेंगे मस्कारा। देखिए मस्कारा लग चुका है।
बचा है काजल, लक्मे का ये हो काजल, काजल को अप्लाई कर रही हूँ। फेस में लगाने के लिए ली हूँ बीबी क्रीम। ये अच्छा रहेगा, अच्छे से ब्लेंड भी होता है और इसको लगा के लगेगा नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर मेकअप हो गया है। नेक में भी लगा लेना चाहिए ताकि फेस और नेक दोनों से मुझे स्पॉन्ज की मदद से मैं अच्छे से इजीली इसको ब्लेंड कर लूंगी। बिल्कुल टैप टैप करके ही करेंगे। ये कॉम्पैक्ट मेरा वेट इन वाइट का है, इसको मैं कंटूरिंग भी है और कॉम्पैक्ट भी है। तो मैं इसमें अब ये कंटूरिंग पाउडर ईयर के ऐसे ऐसे टीचिक पे लगाऊंगी। और मेरा नेक्स्ट स्टेप है अब ब्लश एंड हाइलाइटर। और इसके बाद अप्लाई करूंगी हाइलाइटर। हाइलाइटर भी मेरा स्विस ब्यूटी का है, फिंगर से मुझे अच्छा लगता है लगाना। मेकअप स्प्रे